कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में लड्डू गोपाल के बारे में। हम अपने घर में बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें रखते हैं, उन्हीं में से हैं भगवान का बाल रूप, जिसे लड्डू गोपाल के स्वरूप में जाना जाता है। अगर आपके भी घर में है लड्डू गोपाल तो इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि लड्डू गोपाल को स्नान कराना और उनके वस्त्र बदलना, तथा जो भी खाएं वो सात्विक ही बनाएं अपने घर में, और उसका भगवान का भोग भी लगाएं। सबसे पहले जो कुछ भी घर में आए, जो चाहे सब्जी मौसमी हो या मौसम के फल हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाना चाहिए, और प्रातः तथा सायंकाल भगवान की आरती पूजा, उनके सामने दीपक तथा भोग भी लगाना चाहिए। अगर आप जिस तरह से आपको भूख लगती है इसी तरह से भगवान को भी भूख लगती है, इसलिए उनको भी भोग लगाना चाहिए, तथा उनके सामने लड़ाई झगड़ा आतेज से नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि हमारे घर में कोई एक और व्यक्ति है, तो जिस तरह से आप अपने लिए सारे कार्य करते हैं वैसे ही भगवान के लिए भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। भगवान लड्डू गोपाल आप सभी का शुभ मंगल और कल्याण करें, आप सभी की भक्ति बढ़े, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।